शोमैन राज कपूर की याद में बनने वाले कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के उद्घाटन की तैयारियां हुई पूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कपूर परिवार की उपस्थिति में होगा 2 जून को उद्घाटन। मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। हम जिस जगह पर खड़े हैं यह वही जगह है जहां पर शोमैन राज कपूर का विवाह यहां के आईजी करतारनाथ की पुत्री कृष्णा के साथ 12 मई 1946 को राज कपूर की बारात मुंबई बनारस ट्रेन से सतना तक आई। उसके बाद का सफर उन्होंने कार और बैलगाड़ी से तय किया। विंध्य क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। राज कपूर का रीवा से गहरा नाता रहा है। हिंदी सिनेमा को शो बिजनेस की आकृति देने वाले राज कपूर की बारात 12 मई 1946 को मुंबई से रीवा आई थी। तब 21 साल के राज कपूर ने 16 साल की कृष्णा का हाथ थाम कर सारी जिंदगी साथ रहने का फैसला किया था। उन्हीं की यादों में रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। हम आपको बता दें ये वही जगह है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। आज से ठीक 72 साल पूर्व इसी जगह पर विख्यात शोमैन राज कपूर का विवाह कृष्णा के साथ हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस जगह को शोमैन की याद में सजोने का पूरा प्रयास किया। इस जगह पर एक विख्यात ऑडिटोरियम बनाने की परिकल्पना की गई। यह परिकल्पना की यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। यह पूरी होने के कगार पर है। हम आपको बता दें 2 जून को इसके उद्घाटन की तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन के मौके पर राज कपूर का पूरा परिवार जहाँ यहाँ पर इकट्ठा होगा वहीं पर उनकी अगवानी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें राज कपूर के परिवार से उनके 3 पुत्रों में से 2 पुत्र रणधीर कपूर और राजीव कपूर भी यहां पर आ रहे हैं। उनके परिवार के और भी लोग जैसे कृष्णा की बहन उमा जी भी और उनके पति प्रेम चोपड़ा भी उस क्षण को यादगार बनाने के लिए स्थायी बनाने के लिए यहां पर उपस्थित होंगे। इस ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही गैलरी स्थापित की जाएगी। पूरी दुनिया में यह इकलौता ऑडिटोरियम होगा जो मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस ऑडिटोरियम में राज कपूर कला प्रेमियों को जीवांत मिलेंगे। विंध्य क्षेत्र में एक ओर लोगों को व्हाइट टाइगर सफारी की सैर मिलेगी तो दूसरी ओर द ग्रेट शोमैन राज कपूर ऑडिटोरियम के द्वारा कला प्रेमी कला संस्कृति से रूबरू होंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां शोमैन राज कपूर की यादें कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है जिसकी पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं हो सकती उनकी यादें। वो जगह है उनकी शादी की। ये आप जहाँ मेरे साथ देख रहे होंगे यह वही जगह है जहाँ पर राज कपूर का विवाह कृष्णा के साथ हुआ था। हम आपको बता दें रीवा में उनकी शादी 12 मई 1946 को हुई थी। वह भी बिल्कुल शाही अंदाज में। यहाँ उन्होंने रीवा की पूरी परंपरा को निभाते हुए बारात को एक दिन का ठहराव भी दिया था और इस दौरान उनका यहाँ पर तत्कालीन महाराज गुलाब सिंह ने उनको राजसी अंदाज में भोज भी दिया। ऑडिटोरियम में उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के हाथों होगा, जिसमें खनिज एवं उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ कपूर परिवार की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित होंगी। उद्घाटन में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, प्रेम चोपड़ा, उमा चोपड़ा, अन्नू कपूर, प्रेम किशन मल्होत्रा, सिंगर सुरेश वाडकर, सारिका सिंह, नीतीश भारती, रोहित प्यारे, अलीशा की मौजूदगी उद्घाटन के लम्हों को यादगार बना देगी। तो वहीं उद्घाटन में पहली बार फिल्म फेयर की तर्ज पर टॉक शो कपूर विद सीएम जिसे होस्ट करेंगे अन्नू कपूर। उसके बाद होगा रोहित और अलीशा का राज कपूर पर एक्ट प्यार हुआ इकरार हुआ गाने पे। नीतीश भारती रीवा और राज कपूर के रिश्तों को रेत पे बयां करेंगे। तो वहीं सुरेश वाडकर और सारिका सिंह के
राज कपूर फिल्म के चर्चित गाने लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर देंगे। इसके बाद विख्यात अभिनेत्री एवं मॉडल कायनात अरोड़ा आरके फिल्म से एवं ग्रैंड मस्ती, खट्टा मीठा, पैडमैन जैसी फिल्मों के लोकप्रिय गानों में डांस परफॉर्मेंस देंगी। अभी आप देख रहे थे राज कपूर की याद को सजो के रखने का मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास। हम इससे जुड़ी हुई बारीकियों पर आगे भी नजर रखेंगे। हमें सबको, पूरे रीवा शहर को 2 जून का बेसब्री से इंतजार होगा, जिस दिन राज कपूर का पूरा परिवार यहां पर एकत्र होगा। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें ज़रूर आप बताइएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जावेद अंसारी, रीवा दर्शन। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऑडिटोरियम सैंक्शन करके बनवाया है, जिसका नाम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रखा गया है। मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, माताजी की ओर से, बहन भाइयों की ओर से, बच्चों की ओर से आप लोग सबको ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। 2 जून को मैं आ रहा हूँ इस ऑडिटोरियम के शुभ मुहूर्त के लिए, उद्घाटन के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से भी वहां मुलाकात होगी। 2 जून तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। हेलो गाइस, नमस्ते, इट्स मी अलीशा नरोने एंड आई एम कमिंग टू योर सिटी रीवा ऑन 2nd ऑफ जून फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू कम, क्योंकि मैं आपको देने आ रही हूं ढेर सारा एंटरटेनमेंट। और हाँ, मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शिवराज सिंह जी का और हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का। सो गाइस, वेट फॉर मी, आई एम कमिंग देयर फॉर यू, लव यू। आप सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका बेस्ट कॉमेडियन रोहित प्यारे जी। हाँ, और मैं आ रहा हूँ 2 जून को आपको हंसने और हंसाने के लिए। आई अरे बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों, हमारे द ग्रेट शोमैन राज कपूर जी की शादी कृष्णा जी से रीवा में हुई थी और उन्हीं की याद में एक ऑडिटोरियम बनाया गया है और उसी के मुहूर्त पर मैं आपको आ रहा हूँ हंसाने के लिए। और एक बात तो मैं कहना भूल गया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शिवराज सिंह का और हमारे लोकप्रिय मंत्री शुक्ला जी का। तो गाइस आना मत भूलिएगा, मैं भी आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, दोनों मिल के जम के हंगामा करेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, लॉर्ड पावर कर देंगे। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एंकर पूजा सिंह और मैं आ रही हूँ आपके शहर रीवा में 2nd ऑफ जून को। हमारे एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और इंडस्ट्री मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयासों से बने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के ग्रैंड इनॉग्रेशन को होस्ट करने। सी यू ऑल देयर, लव यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश भारती, सैंड आर्टिस्ट। यूं तो आपने मुझे बहुत सी कहानियां बताते हुए देखा होगा रेत की जुबानी पर, मैं आपके शहर रेवा में आ रहा हूं 2 जून को एक बहुत स्पेशल कहानी बताने के लिए। ये कहानी है कृष्णा जी और राज कपूर जी की, और इस कहानी को मैं बताऊंगा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर के उद्घाटन समारोह पे। इस कल्चरल सेंटर को बनाने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है और उसका नतीजा ये ऑडिटोरियम हमारे सामने आज प्रस्तुत है, और उसी की कहानी मैं बताने आ रहा हूँ आपके शहर। मिलते हैं आप सबको 2 जून को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनु कपूर 2 जून को आपके शहर रीवा में आ रहा हूँ श्रीमती कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के शुभारंभ समारोह में सम्मिलित होने के लिए। सी यू देयर।